बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेताओं में से एक मुरली मनोहर जोशी ने आज मुंबई हमले के गुनाहगार और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के नाम को श्री लगाकर संबोधित किया। जोशी आज गृहमंत्री शिंदे के उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे जिसमें उन्होंने बीजेपी और संघ के कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग का जिक्र किया था। शिंदे जी ने 20 जनवरी को सेफरन टेररिज्म की बात कही और उन्होंने कहा उसमें कि आरएसएस बीजेपी के कैंप्स ये टेररिज्म की शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके इस कथन का, इस स्टेटमेंट का फायदा तुरंत उन शक्तियों ने उठाया जो भारत पर आतंकी हमले करते रहते हैं। 21 तारीख को ही, जनवरी की, दो लोगों ने, एक तो जेयूडी के जमायतुल दावा के चीफ श्री हाफिज सईद और दूसरे जो कमांडर थे हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हुजी, उसके कमांडर थे इलियास कश्मीरी, इन दोनों लोगों ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया, इसको रिकॉग्नाइज किया और स्टेटमेंट दिए। सईद ने 21 तारीख को डिमांड किया कि आरएसएस और वीएचपी पर बैन लगाया जाए और भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक आतंकी देश घोषित किया जाए।